नमस्कार, मैं हूँ प्रीति शर्मा और आप देख रहे हैं खबर 9। अति महारुद्र शत चंडी 51 कुंडी महायज्ञ के चौथे दिन यजमानों का आह्वान के साथ आहुति दी जा रही है। यज्ञशाला के चारों ओर सुबह से ही आसपास के ग्रामीण सहित स्थानीय ग्रामीण भी परिक्रमा लगा रहे हैं। इधर यज्ञशाला के समीप श्रीमद् भागवत कथा के लिए बनाए गए मंच से कथावाचक ममता पाठक ने कथा के तीसरे दिन कहा कि दुख में ईश्वर की याद आती है, पाप देखने से भी पाप लगता है, कलयुग में नाम की प्रधानता है तो भगवान का नाम जपना चाहिए, धर्म का कार्य करने से बेखुन मिलता है, धर्म मरने के साथ खत्म हो जाते हैं, गो माता की सेवा करनी चाहिए, गाय के प्रत्येक अंगों में ईश्वर का वास होता है, शराब पीने से सब कुछ चला जाता है, अगर नशा करना ही है तो भक्ति का नशा करना चाहिए। कथा समापन पश्चात आरती उतारी गई। आरती में महामंडलेश्वर भगवान दास टिंकर बाबा आदि संतों में शामिल होकर आरती का लाभ लिया। सबसे पहले तो कड़ो की जनता को हम प्रणाम करते हैं कि हमारे पूर्वों के द्वारा भी कड़ो के बारे में काफी प्रशंसाएं होती रही है। हमारे पिताजी भी बहुत प्रशंसा करते थे, इस गाँव की क्षेत्र की जनता भी इसकी प्रशंसा करती है और जहाँ पर संत समाज जिस गांव की प्रशंसा कर दे तो समझ लीजिएगा कि उनके पितृदेवता कितने अच्छे रहे होंगे, कि उनकी संतानों के इच्छे कैसे संस्कार देकर के हो गए हैं ताकि करोड़ का नाम पूरे विश्व में रोशन हो रहा है। और हम चाहते हैं कि जहाँ पर संत का और ब्राह्मण का आशीर्वाद जिस गांव को मिल जाए वो गांव तो समझ लीजिए कि साक्षात वृंदावन धाम बन गया है। आज स्थिति ऐसी लग रही जैसे तीर्थराज प्रयाग के अंदर हम बैठे हुए हैं और संत और ब्राह्मणों का आशीर्वाद पूरे करोड़ को ही नहीं क्षेत्र की जनता को भी प्राप्त हो रहा है। तो हम तो हृदय से आशीर्वाद देते हैं और धन्यवाद भी देते हैं, संत समाज को प्रणाम करते हैं, ब्राह्मण समाज को, यज्ञ नारायण भगवान को और साथ साथ में करोड़ निवासियों को भी प्रणाम करते हैं कि उन्होंने इतना अच्छा भव्य आयोजन करवाया है और इनसे प्रेरणा लेकर के और भी लोग अन्य गाँव के लोग भी ऐसे सत्कर्म करवाए, आशीर्वाद भी देते हैं और सभी को। से तो आज की खबरों में फिलहाल इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।